26 नवंबर 1949 यानी आज से 69 साल पहले भारत ने अपना संविधान बनाया। संविधान वह किताब या वह नियमों की पुस्तक होती है जिसके आधार पर किसी भी देश के वासियों के लिए ये कहा जाता है कि आपको सारे काम देश में इस किताब के लिखे नियम के अनुसार करने हैं। इसका जन्म आज से 69 साल पहले हुआ और इसको 26 नवंबर को पूरे भारत के लोगों ने माना और जाना। उसके ठीक 3 महीने बाद 26 जनवरी को इसको देश में लागू किया गया। दुनिया के सभी देश अपने संविधान या अपने नियमों की पुस्तक का बड़े धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। भारत में भी ये परंपरा अब बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह ही लोग इस दिन राष्ट्रगान गाते हैं, इसमें लिखी हुई बातों को याद करते हैं, उनको मानते हैं, उनको जानते हैं, उनको पता चलता है कि इसी किताब के अनुसार यानी संविधान के अनुसार भारत के सारे धर्म बराबर हैं। और इसी किताब में लिखा हुआ है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी आपस में हैं भाई भाई। इसी किताब में ये बात लिखी हुई है कि चाहे देश का नागरिक गरीब है या अमीर है, उसको पढ़ने का समान अधिकार है। इसी किताब में यानी संविधान में ये बात लिखी हुई है कि कोई भी आदमी किसी का अपमान नहीं करेगा और सभी आदमी बराबर माने जाएंगे, कोई भी छोटा बड़ा किसी भी तरह से नहीं होगा। यह किताब पूरे भारत के नागरिकों को प्रधानमंत्री बनने तक का भी अधिकार देती है। इसी किताब में ये बात लिखी हुई है कि भारत की सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत के हर एक नागरिक को वो पढ़ाएगी, लिखाएगी और उसको मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि डॉक्टर की सेवाएं, दवाई उपलब्ध भी कराएगी। इसी किताब के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक, यहाँ का सबसे बड़ा जज, यहाँ का सबसे बड़ा अफसर, यहाँ का सबसे बड़ा व्यापारी, यहाँ का सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। इसी संविधान की किताब के अनुसार ये बात बहुत अच्छी तरह से है कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी की सारी बराबर मानी जाएंगी, कोई भी भाषा या आदमी ऊंचा नीचा नहीं होगा। ये किताब दुनिया की सबसे उम्दा और सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन किताब है। इस किताब की खासियत इस बात से है कि इस किताब को दुनिया के 20 लोगों ने और भी माना और यहाँ से इस किताब की फोटोकॉपी करा के ले गए और अपने यहाँ इस किताब को लागू किया। दुनिया हमें सबसे ज्यादा इज्जत इसमें देती है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जो दुनिया के सबसे छठे नंबर के विद्वान थे, उन्होंने इस किताब को, दुनिया के पहले जो विद्वान थे भगवान बुद्ध, उनके नियम के अनुसार इसको बनाया। वो नियम सभी आदमी के लिए बराबरी के नियम के आधार पर बनी। इस किताब को मनाने का, इस संविधान दिवस को मनाने का सीधा सा साधारण सा काम होता है, सभी लोग संविधान को पढ़ें, संविधान को जानें और आपस में एक दूसरे से इसकी बातें करें, उस दिन मिठाई खाएं, राष्ट्रगान गाएं और देश को चलाने वाली संविधान की किताब को एक दूसरे के लिए उपहार में दें। इस किताब को हर एक व्यक्ति को पढ़ना जरूरी है जो पढ़ सकता है, और जो नहीं पढ़ सकता है उसको दूसरे द्वारा पढ़ी हुई किताब को सुनना चाहिए। इससे उसमें शक्ति आती है कि भारत के अंदर उसको इस किताब ने कितनी बड़ी शक्ति दी हुई है। धन्यवाद।